एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो मैंने कल ये दही जमाया था और ये अच्छे से जम गया है, तो अब मैं एयरटाइट कंटेनर में इसे रख दूँगी फ्रिज में। और बस यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। तो काऊ मिल्क आता है हमारे यहाँ पे और मैं मोस्टली काऊ मिल्क ही यूज़ करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा लाइट रहता है वो, और उसी से ही कर्ड भी जमा लेती हूँ। और बस यहाँ पर चाय बना लूँगी। और आज लंच में भिंडी बनाने वाली हूँ क्योंकि हस्बैंड को भी और मुझे भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वीक में एक बार तो भिंडी बन ही जाती है। और भिंडियों को मैंने वॉश करके इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा कट कर लिया है। और एक कढ़ाई में मैंने यहाँ सरसों का तेल डाल दिया है और उसमें राई और जीरा डाल देंगे। और फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा लहसुन भी कट कर लिया था, तो थोड़ा ज़्यादा लहसुन डालेंगे इसमें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस यहाँ पर लहसुन डाल के इसको अच्छे से गोल्डन होने देंगे और फिर हरी मिर्चियाँ डाल देंगे और इन सबको अच्छे से थोड़ा भून लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है और थोड़ा 1 से 1.5 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे। और लाल मिर्ची मैंने थोड़ी सी ही डाली है क्योंकि हरी मिर्चियाँ भी तीखी है। और सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें भिंडी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये वाली जो भिंडी है इसमें लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये भिंडी भी टेस्टी लगती है। और अब लो फ्लेम पर इनको अच्छे से हम कुक करेंगे जब तक कि थोड़ी गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए। और लो फ्लेम पे बिना ढके भिंडियों को मैंने थोड़ा कुरकुरा होने तक कुक कर लिया और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया और थोड़ी कुरकुरी भी हो गई है, तो इससे ये और ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अब इसमें लास्ट में हम नमक डाल देंगे, तो भिंडी में हमेशा लास्ट में ही नमक डालना चाहिए। और ये भुने हुए मूँगफली के दाने हैं जिनके मैंने छिलके निकाल के थोड़ा सा इनको दरदरा कूट लिया है और अब ये डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लास्ट में ही मिक्स करना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है भिंडी के साथ, जो पीनट्स का टेस्ट है वो अच्छा लगता है। तो आप इस तरह से एक बार ट्राई करके देखना। और बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक के मैं इसे 2-3 मिनट और कुक कर लूँगी और लास्ट में इसमें हरा धनिया डालेंगे और भिंडी हमारी रेडी है। और अगर आपने इस तरह की भिंडी ट्राई नहीं की है तो आप ट्राई करना, इसमें लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और पीनट्स का भी। और बस अब यहाँ पे मैं रोटियाँ डाल दूँगी। यहाँ पे लंच रेडी है, तो ये पीनट्स वाली भिंडी सलाद और थोड़ा मैंने कर्ड भी रखा है और मैंने 1-2 पराठे डाल दिए थे और कुछ रोटियाँ। तो भिंडी की सब्ज़ी के साथ पराठे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये भिंडी की सब्ज़ी में ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते हैं बट स्टिल ये बहुत टेस्टी लगती है, तो आप ट्राई करना, आपको पसंद आएगी। और ये हस्बैंड ने डेट्स ऑर्डर किए थे, तो ये गल्फ डेट्स हैं और 100% नेचुरल डेट्स हैं। तो केक वगैरह बनाने में मुझे शुगर का सब्स्टिट्यूट चाहिए था, तो मैं डेट्स से केक बनाने वाली हूँ जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ फ्यूचर में ज़रूर शेयर करूँगी। और उन्हें ये डेट्स काफ़ी अच्छे लगे, तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप ये ब्रांड के ट्राई कर सकते हो। और ये मेरा फेस क्लिनजर है, तो ये ख़त्म हो गया था तो मैंने ये भी ऑर्डर किया था। और ये ब्रांड फेसशॉप का है और ये मेरा फेवरेट क्लिनजर है। अगर आपकी ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन ऑयली है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, हर स्किन टोन पर ये सूट होता है। और फोमिंग क्लिनजर है, तो बहुत डीपली फेस को क्लीन करता है और वन ऑफ द बेस्ट क्लिनजर है ये। तो अगर आप कोई अच्छा क्लिनजर ट्राई करना चाहते हैं तो गिव दिस अ ट्राई। क्लिनजर और डेट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अभी मैं डिनर बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ और आज डिनर में बनाने वाली हूँ मैं हस्बैंड की फेवरेट आलू की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगती है। तो पहले मैं यहाँ पे आटा गूंथ लूँगी रोटियों के लिए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा आटा लिया है, उसमें थोड़ा नमक डालने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो जब भी आप आटा गूंथें उसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें और इसको अच्छे से बाइंड कर लें। और बस इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं इसे 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखती हूँ, तो उससे जो रोटियाँ हैं बहुत सॉफ्ट बनती है। तो बस इस तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम थोड़ा रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और मैंने यहाँ पे 3 आलू ले लिए हैं और इनको हम अच्छे से पील कर लेंगे। और आलू अच्छे से पील कर लिए हैं मैंने, इसमें मैंने पानी डाल दिया है
और अब आलूओं को अच्छे से हम कट कर लेंगे, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो मैं इनको थोड़ा लंबा लंबा कट कर रही हूँ और थोड़ा पतला कट कर रही हूँ, जिससे ये इवनली कुक होंगे। तो इवन साइज़ में इन्हें हम कट करेंगे और थोड़े से इस तरह से ये दिखने में भी अच्छे लगते हैं। फिर और सारे आलू मैंने अच्छे से कट कर लिए, आप चाहे तो इनको छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं। और सूखी दो तीन लाल मिर्चियों को मैंने इस तरह से मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। और अब एक कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे और उसके बाद इसमें मैंने राई डाली है और जीरा डाला है, तो थोड़ा राई और जीरा ज़्यादा डालेंगे। और उसके बाद 1 चम्मच भर के मैंने तिल्ली जो आती है वो डाली है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और क्रंच ऐड होता है। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे जो आलू है वो डाल देंगे। और आलू का पानी मैंने अच्छे से निकाल लिया है और फिर आलू डाल दिए हैं और इनको अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे लो फ्लेम पे। तो इनमें एक अच्छा सा क्रंच ऐड होता है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता भी डाला है। तो बिना ढके हम इसे चलाते हुए थोड़ा फ्राई कर लेंगे और फिर जो कुटी हुई सूखी मिर्चें हैं वो डाल देंगे। तो मिर्ची आप इसी तरह से इसमें डालना, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा यहाँ पे नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके इसे ढक के हम कुक करेंगे लो फ्लेम पे। तो 10-1 मिनट में ये कुक हो जाएंगे और अभी आप देख सकते हैं कितना क्रंची और सॉफ्ट हो गए हैं ये। तो इस तरह से ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और फिर थोड़ा सा हम इसमें नींबू का रस डालेंगे और थोड़ी शक्कर डालेंगे और फिर हरा धनिया डाल देंगे। तो इन सबसे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इनमें। और ये वाली आलू की सब्ज़ी आप पहले 3-4 मिनट थोड़ा तेल में फ्राई करना, उसके बाद इसे ढक के फिर लो फ्लेम पे कुक करना। और इसे आप टिफ़िन वगैरह में भी दे सकते हैं, बच्चों को तो ये बहुत पसंद आती है और दाल चावल रोटी पराठे सभी के साथ अच्छी लगती है। और अभी आप आटा देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो गया है। तो बस अब मैं रोटियाँ डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने खाना सर्व कर दिया है। तो ये सब्ज़ी आप ज़रूर ट्राई करना, ये आपको बहुत पसंद आएगी और बिल्कुल क्विक सब्ज़ी है, 15-20 मिनट में रेडी हो जाती है। और इस सब्ज़ी में कोई चॉपिंग वगैरह भी नहीं करनी पड़ती है, तो आप इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर। बाय।